नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टॉसिस। लगातार सागर जिले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही बगावत का दौर जारी है और कल शारदा कटीक ने बीजेपी ज्वाइन की थी और आज वही नरयावली विधानसभा इलाके से पार्षद रुक्मणी गौड़ ने भी बीजेपी में वापसी कर ली है। जी हाँ, बड़ी खबर है। सागर के नरयावली विधानसभा क्षेत्र के मकरोनिया चौराहे पर भाजपा नेत्री शारदा कटीक और मौजूदा विधायक प्रदीप लारिया ने रुक्मणी गौड़ को भाजपा की सदस्यता दिलवाई है। उन्हें वापसी उनकी भाजपा में हो गई है। हम आपको बता दें, शारदा कटीक की अगुवाई में करीब 150 लोग और भाजपा में शामिल हुए हैं और रुक्मणी गौड़ मकरोनिया के सबरी वार्ड से पार्षद भी रह चुकी है। सुनिए जरा पूरे मामले में विधायक प्रदीप लारिया और सागर में पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सागर की नरयावली विधानसभा क्षेत्र में, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है मकरोनिया क्षेत्र, मकरोनिया चौराहे से एक बड़ा घटनाक्रम हुआ पिछले दो दिनों में। शारदा कटीक कांग्रेस से बीजेपी में आ गई हैं और रुक्मणी जी भी इनकी भी वापसी हो गई है बीजेपी में। निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को आगामी 17 तारीख को मिलेगा, क्योंकि जो एक घटनाक्रम चल रहा था पहले भी, लगातार ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस ने सुरेंद्र चौधरी को टिकट दे दिया है, तो क्या एंटी इनकमबेंसी फैक्टर एक बार काम करेगा, जो लगातार 3 बार हार चुके थे। लेकिन अब हम जानेंगे, प्रदीप लारिया मौजूदा विधायक हैं, उनका कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पर हाई लेवल पर होगा, क्योंकि शारदा कटीक भी बीजेपी में आ गई हैं और रुक्मणी जी की भी वापसी हो गई है, तो क्या कहेंगे हम उनसे, जानेंगे। उन्होंने भी आज लगभग 100-150 कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उनके नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी को बल और संबल मिलेगा। हम सब मिलकर नरयावली विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाएंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। अच्छा, मौसी के आने से कितने वोटों का फैक्टर पड़ेगा आपको, कितना और मजबूत करेंगी मौसी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपने आप में जनाधार है, कांग्रेस में शारदा जी का जनाधार था, तो अब बताइए एक और एक 11 होता है कि नहीं, एक पे एक 11, तो निश्चित तौर पर वैसे तो एक और एक दो होता है, लेकिन कई बार एक और एक मिल जाते हैं तो 11 भी होता है। जीत का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर पहुंचेगा। मैं ये तो नहीं कहना चाहता हूं, थोड़ा बड़े बोल होंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हम लोग भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। जी शारदा जी, आपसे एक अहम सवाल इसलिए पूछना चाहूंगा कि लगातार जो विरोध हो रहा था वो आपने दर्ज भी करवाया और कई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली है, तो लोकतंत्र में इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए, इसको आपको भी एक्सेप्ट करना होगा। और अब चूंकि आपने एक नई शुरुआत करी है, आपने बीजेपी ज्वाइन करी है, तो क्या आगे चलकर आपकी भी रणनीति होगी, इस पार्टी में किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, मैं 5 साल से लगातार क्षेत्र में जब पहुंच रही थी और मेरी बहनों को भाइयों को बता रही थी, और मैं तो देखो जिला पंचायत सदस्य पहले से हूँ, तो मुझे तो कहने की बात ही नहीं है कि मैं विकास करूँगी। वो शासन की जो भी योजना थी मैं वहाँ तक पहुँचा रही थी और विकास कर रही थी, तो जनता वाकई में मेरे साथ थी और जनता की मैं बहुत आभारी हूँ, जनता को मैं धन्यवाद दूंगी, क्योंकि जब भी मैंने बुलाया तब दौड़े चले आए, तो मेरी चाहे बहन होए चाहे भाई होए, हमारा साथ दिया और हमने उनका विकास किया। जनता जनता क्या चाहती है? विकास, तो मैंने भरपूर विकास किया। आज मेरे से बोलते रहे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, कि 3 बार हारने वाले को टिकट नहीं देंगे, तो मैंने कहा कि नहीं देंगे तो भैया अपन और दौड़ अच्छे से करें, तो मैंने दौड़ लगाई और उसके बाद में उसका सर्वे में भी रिपोर्ट, सर्वे अच्छी नहीं थी उसकी, जबकि 2 महिलाएं हम लोग थे, एक शारदा खटीक और एक रेखा चौधरी, और 3रे नंबर उसका नाम था, ये सर्वे में नाम आया है। जब सर्वे में नाम नहीं था, उसकी सर्वे हारने वाले की सर्वे होती है, सम्मानित पत्रकार भाई मैं बताना चाह रही आपको कि हारने वाले की सर्वे होती है कि जीतने वाले की होती है। आज लगातार 4 बार मैं जिला पंचायत सदस्य, मुझे जनता ने चुना, जनता की बहुत आभारी हूँ और सदा आभारी रहूंगी। दूसरी बात, पार्षद भी बनाया बाट का, कहते हैं कमलनाथ जी बोल रहे थे, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी,
बोल रहे थे कि जो दो तीन बार हारेगा उसको टिकट नहीं देंगे और जो पार्षद जिताएगा उसको टिकट देंगे और दो बार के जीतने वाले को टिकट देंगे। भैया मैं तो चार बार जीत गई और जमीन से जुड़ी। आज 1998 से मैं टिकट मांग रही थी, मुझे टिकट नहीं दिया। पर मुझे नाराजगी इस बात की है, मैं दुख होके भाजपा सरकार में इसलिए आई हूँ कि इस पार्टी को छोड़े और भाजपा सरकार में पहुंचे। और हमारे भाई पड़ोसी हैं, पड़ोसी को पहले दौड़ते हैं। कोई भी काम होता है तो कहते हैं भाई पड़ोसी को बुलाइए, तो पड़ोसी पहले आएगा। तो मेरी सोच ये नहीं है कि किसी और पार्टी में खड़ी हो जाऊं मैं, पर मैंने सोचा कि हमारे प्रतीक भाई विधायक हैं, इनके पास मैं जा रही हूं और बस मैंने अच्छा कमल खिलाने के लिए आई हूं। ऐसे वैसे नहीं जीतेंगे, इतिहास वोट से जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत।